नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, आज संडे को मैं आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वीक में, उनके आंसर दूंगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और शायद आप भी इन क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते होंगे। इसमें DSSB या और टीचिंग पोस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो शायद होने नहीं चाहेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संजू यादव जी लिखते हैं, सर SSC चंडीगढ़ की वैकेंसी में मैंने कैटेगरी OBC भर दी, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ चंडीगढ़ वाले OBC को ही OBC काउंट किया जाएगा, मतलब जो चंडीगढ़ वाले OBC हैं उनको ही OBC माना जाएगा और अदर स्टेट वाले जो OBC हैं उनको OBC नहीं माना जाएगा, मेरा क्या होगा सर? तो संजू जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या होता है कि अगर कोई OBC गलती से फिल कर देता है, अदर स्टेट के OBC OBC में काउंट नहीं होते, ये आप ध्यान रखिए। DSSB में जो वैकेंसी होती है उनमें अदर स्टेट के OBC OBC में काउंट नहीं होते। अगर कोई गलती से OBC फिल कर देता है तो उसमें क्या है कि वो जनरल में काउंट होगा और जनरल की मेरिट में अगर वो आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको जनरल वाले डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, हालांकि जो जनरल में है कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जनरल के लाइक मार्क्स लेके आए। और इसके बाद SSC जो आप चंडीगढ़ का बता रहे हैं तो इसमें भी शायद यही चीज़ें होंगी और देखते हैं क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद प्रीति कुंडू जी लिखते हैं, थैंक यू सर, आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियो, रिजल्ट जल्दी आना चाहिए नहीं तो ये भर्ती भी अटक जाएगी। तो प्रीति जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और रिजल्ट की बात रही तो फैब तक आने की पूरी उम्मीद है और 10-5 दिन ऊपर नीचे हो तो देखो वो चल जाता है, लेकिन अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग तैयार रहें, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा कि अभी DSSB डेली रिजल्ट निकाल रहा है, हालांकि 1-2 दिन से रिजल्ट आने की जो प्रक्रिया है बंद हो गई है, देखते हैं 1-2 दिन में कुछ रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो साथियों, इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, इसके बाद करुणा जी लिखते हैं, सर ओनली यू हैव एक्सप्लेन प्रॉपरली, अदरवाइज नोबडी हैज एक्सप्लेन इट दैट वेल। सो करुणा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आई डोंट नो इफ आई डिजर्व इट और नॉट, बट आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू फॉर ऑल दैट। और साथियों, ये सब आप लोगों का प्यार है, आप सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ें मुझे पॉजिटिव करने के लिए एक्साइटेड करती हैं। सो थैंक यू, आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद बबीता रानी जी लिखते हैं, सर जी योर वे ऑफ टॉकिंग इज सो गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच इन्फॉर्मेशन। तो बबीता जी धन्यवाद, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नीतू सिंह जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, नाउ दिस इज टू मच फ्रॉम DSSB। तो इनका जो कमेंट आया है उस वीडियो पे आया, जो स्पेशल वाले रिजल्ट के लिए बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो ये कहना चाहते हैं कि अब DSSB की हद हो गई है बिल्कुल। तो नीतू सिंह जी, थोड़ा वेट करते हैं, अगर रिजल्ट फिर भी नहीं आता है तो आप लोग RTI लगाएं, इसके बाद हम लोग आपके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है। और साथियों, आप ध्यान रखें, मैं ऐसा नहीं कि किसी का फेवर लेता हूं या कुछ, जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं और ये एक चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है और हमें मिलके चलना है। तो साथियों, इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, गरिमा जी लिखते हैं, नहीं नहीं सही है, आपके पास ही ज़्यादा ज्ञान है, आप ही बताओ, धन्यवाद। अब चैनल बनाया है तो ट्रूथ भी फेस करने की हिम्मत रखिए, धन्यवाद जी। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं जो इन मैम ने कमेंट किया है, देखो अपनी एक पर्सनल व्यू होता है कि लोग क्या सोचें,
मैं आपको बता देता हूँ ये कमेंट किस वीडियो पे आया है। ये कमेंट आया है जो मैंने एक वीडियो डाली थी कि एक क्लिक में SSA की मेरिट देखें कि कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ये मैम बोल रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 गुना कैंडिडेट्स को वहां पर बुलाया गया है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 3 गुना नहीं, जिनका नाम है सभी वहां पे जाएंगे और मतलब शायद सभी का सिलेक्शन हो, ये कहना चाह रहे थे। इसके बाद मैंने इनको बताया कि ऐसा नहीं है, जो मैंने बताया ऐसा ही है, आप जो बता रहे हैं वो गलत है। इसके बाद इन्होंने ये कुछ ऐसे कमेंट करें। तो साथियों, अब पता नहीं, मैंने तो अपने लेवल से पूरी सही इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आप मुझे एक बार बता दीजिए कमेंट करके कि क्या सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, 8 वैकेंसी के ऊपर क्या 2400 का सिलेक्शन हुआ है, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। और मैम ऐसा नहीं है, हम सबसे पहले न्यूज़ को चेक करते हैं, पूरी सच्चाई की गारंटी होती है हमारी। अगर कुछ गलत होता है तो वो बता दिया जाता है कि हाँ ये हमसे गलत हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें हम जेन्युइन देते हैं, क्योंकि हम झूठ किससे बोलेंगे, एक बात बताइए आप। ये जो चैनल है ये एक फैमिली है हमारी और आप भी उसका एक पार्ट हो, तो ऐसा नहीं है, आपको जो भी चीज़ें बताई जाएगी वो जेन्युइन बताई जाएगी, बहकाया नहीं जाएगा आपको यहाँ पे। तो अगर गलत लगा हो तो सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद सोनू जी लिखते हैं, थैंक्स सर, मैं आपकी वीडियो का वेट कर रहा था, न्यूज़ तो मुझे पहले मिल गई थी बट आप बहुत अच्छे से बताते हो, थैंक्स अ लॉट सर। तो सोनू जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों बता देना चाहता हूँ, जो सोनू जी हैं इनका हरियाणा में आज सिलेक्शन हो गया है, तो सोनू जी आपको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से शुभकामनाएं, और जैसा कि आप भी हमारी एक फैमिली है जो उसके एक मेंबर हो, तो बहुत दिल से खुशी हुई हमें। और जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है हरियाणा के अंदर, ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सोनू जी आपका सिलेक्शन DSSB में भी बहुत जल्दी होने वाला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हमारी फैमिली बहुत आगे जा रही है। और जो साथी हमसे सोचते हैं, जलते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि हमारे साथ क्या है कि लोग दिल से जुड़े हुए हैं। इनका क्या है कि हम अलग नहीं सोचते कि कोई अलग है, हम एक फैमिली मेंबर हैं। तो सोनू जी बहुत बहुत बधाइयां आपको। इसके बाद नेक्स्ट है, नीति खन्ना जी लिखते हैं, KVS का तो बेरा ना सर, कद आवेगा रिजल्ट, पर हरियाणा ग्रुप डी का आ गया रिजल्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि साथियों मैंने आपको अभी बताया था, हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है और KVS का भी जल्दी ही आने वाला है। जो साथी हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं सभी को शुभकामनाएं। और KVS का अभी बताया जा रहा है कि KVS का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। इसके बाद साथियों बहुत ऐसे साथी हैं जिनके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि DSSB का रिजल्ट कब आएगा, KVS का रिजल्ट कब आएगा। तो KVS के रिजल्ट के बारे में हालांकि कुछ न्यूज चल रही है कि तब तक रिजल्ट आ सकता है 27 जनवरी के लगभग, हालांकि ऑफिशियल ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है हो सकता है कि इसके आसपास रिजल्ट आ जाए। और DSSB के जो रिजल्ट हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, उम्मीद यही है कि रिजल्ट वो आ जाएगा। इसके बाद साथियों बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में टीचिंग वैकेंसी के को लेके बहुत जल्दी कोई स्टेप लिया जाएगा और आप जरूर सहयोग करें। और दिल्ली में भी नई वैकेंसीज के लिए स्टेप लिया जाएगा। जो भी साथी जिन्होंने STAT CTAT कर रखे हैं तो सभी तैयार रहें। इसके बाद साथियों जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कोई वैकेंसी जल्दी से नहीं आएगी, जैसा कि आप हरियाणा में भी पिछले काफ़ी साल से देखते आ रहे हैं। हरियाणा में 2013 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, 2012-13 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। हम बात कर रहे हैं अभी टीचिंग वैकेंसी की, हालांकि और अदर जो वैकेंसीज आई हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज नहीं आई हैं। इसका रीज़न क्या है, प्रशासन भी है, और इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। आप विजिट करें जाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं राजेश पाल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे साथियों को हमें दिल से धन्यवाद बोलना चाहिए,
तो साथियों ये जरूरत डीएसएसबी के लिए भी पड़ेगी, तो आप तैयार रहें। तो साथियों उम्मीद यही की जा रही है कि सब अच्छा होगा। गुड बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने कमेंट्स जरूर दें। वंदे मातरम, जय हिंद।